एक और एक ग्यारह में सबसे पहले बात यास तूफान की, जो अब किसी भी वक्त ओडिशा के तटवर्ती इलाकों पर फुल फोर्स के साथ लैंडफॉल के साथ आ सकता है, 150 किलोमीटर की रफ्तार के साथ वहां पर चोट कर सकता है, क्योंकि ओडिशा के तटीय इलाकों तक ये तूफान पहुंच चुका है। पूरे इलाके में इस वक्त तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। तूफान के टकराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अगले कुछ समय में तूफान टकराएगा। हालात को देखते हुए पूरे इलाके में नेवी एनडीआरएफ की तैनाती है और भुवनेश्वर एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा है। बालासोर से महज 20 किलोमीटर दूर है तूफान, धामरा जगह बताई जा रही है जहां पर तूफान टकराएगा। हालांकि लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन लैंडफॉल के लिए समय कहा जा रहा है कि दोपहर 1 बजे के आसपास तूफान टकरा सकता है तट से। लेकिन इस बीच आपको हम पश्चिम बंगाल की ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं, दीघा की, जहां समंदर का पानी रिहायशी इलाकों में घुस आया, बड़ी बड़ी गाड़ियां तक पानी में डूबी हुई दिखाई दी। और ये जो पानी आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है रिहायशी इलाके में, सारा पानी बारिश का नहीं है, बल्कि समंदर की लहरें रिहायशी इलाकों तक घुस आई हैं। दीघा से हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, सुबह से ही आप लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उस जगह पर भी मौजूद हैं जहां पर इस चक्रवाती तूफान का असर देखा जा रहा है। कैसे वहां पर पल पल तस्वीर बदल रही है, क्योंकि तेज हवाओं और बारिश का दौर तो जारी है, लेकिन इस बीच कई ऐसे रिहायशी इलाके जहां तक पानी पहुंच चुका है। जी बिल्कुल, दीघा में इस वक्त जो स्थिति है, जो लैंडफॉल का प्रोसेस है, वो सुबह 9 बजे ही शुरू हो गया था, वो चल रहा है और लगातार अभी 1-2 घंटे तक चलेगा। लेकिन इस दौरान जो तेज बारिश के साथ समुद्री हवाओं के साथ जो लहरें आई हैं, उसकी वजह से चारों ओर पानी भर चुका है और ये मुख्य सड़कें हैं जहाँ पर इस वक्त पानी भरा हुआ है दीघा में। और इस तरह हर जगह, कहीं पर घुटनों तो कहीं कमर तक पानी हो चुका है और ये पानी लगातार बढ़ रहा है। तो चूंकि ये लैंडफॉल का प्रोसेस चल रहा है और ये अभी 1-2 घंटे तक और चलेगा, ऐसे में ये जो पानी है और ज़्यादा बढ़ेगा और ज़्यादा घरों में, मकानों में घुसेगा। तो लोग काफ़ी आशंकित हैं यहाँ पर और उम्मीद कर रहे हैं कि किसी तरह ये तूफान चला जाए ताकि उनका घर और दुकानें बच जाएं, क्योंकि काफ़ी सारी दुकानों में पानी घुसने की वजह से जो सामान है वो नष्ट हो गए हैं। इंडियन आर्मी को भी उतारा गया मदद के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि पूर्णिमा होने की वजह से जो एस्ट्रोनॉमिकल टाइड्स हैं उनकी वजह से काफ़ी ऊँची उठी वो, और समुद्र जो तटबंध है उसको पार करके वो रिहायशी इलाकों में आ गई। और अभी हम लोग यहाँ हैं, ये तट से लगभग 2 किलोमीटर दूर इलाका है, 2 किलोमीटर तक ये समुद्र का पानी यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे। और इस तरफ अगर मैं दिखाऊं, चारों ओर पानी ही पानी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सड़क पर है, सड़क के इस तरफ ये समुद्र की ओर का की दिशा है जिस तरफ से पानी आ रहा है, और इस तरफ पूरा का पूरा समुद्र तक पानी भरा हुआ है। तो काफ़ी पानी इस वक्त समुद्र से इस तरफ आ गया है, जो भाटा जब आएगा तभी, लो टाइड जब आएगी तभी ये जाएगा, लेकिन उस तब तक और ज्यादा पानी होगा और नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। तो परिस्थितियां वहां पर जो ग्राउंड पर इस वक्त दिखाई दे रही हैं, अनुपम लगातार कैमरे पर दिखा रहे हैं। अनुपम, इस बीच हम तस्वीरें ये भी देख रहे थे कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी रात भर जो है स्थिति पर नजर बनाए हुए थी, और खबर तो ये भी मिल रही है कि करीब 10 लाख लोग ऐसे हैं जिनको शिफ्ट करने का ये प्रोसेस चला है। जी बिल्कुल, पिछली बार अम्फन जो तूफान आया था उसमें काफ़ी नुकसान हुआ था और ठीक इसी वक्त में आया था, लॉकडाउन चल रहा था। और इस बार भी लगभग 1 साल बाद जब यास की आहट सुनाई दी, तो इस बार पहले से ही जो इंतज़ाम है वो करने शुरू कर दिए गए। और किसी भी तूफान से लड़ने का सबसे मुख्य जरिया उपाय होता है कि लोगों को शिफ्ट किया जाए, ख़ासतौर पर जो समुद्री तटीय इलाकों में रह रहे हैं, कच्चे घरों में रह रहे हैं और लो लाइन एरिया में रह रहे हैं। तो लगभग 9 लाख से ज़्यादा लोगों को पिछले 1 सप्ताह के दौरान दक्षिण 24 परगना, ईस्ट मिदनापुर जहां पे इस वक्त हम हैं, और उत्तर 24 परगना, इसके अलावा हुगली हावड़ा में भी नदी के किनारे जो लो लाइन इलाके हैं वहां से भी लोगों को शिफ्ट करने का प्रयास शुरू हुआ। एनडीआरएफ की टीम के साथ सिविल डिफेंस, पुलिस, यहां तक कि कोस्ट गार्ड को भी इसमें शामिल किया गया, नेवी को अलर्ट रखा गया। तो इस बार जो तैयारियां थी काफी अहम थी और काफी पहले से ली गई थी। तो और सबसे बड़ी बात है कि अगर इन तैयारियों को पहले से लिया जाए, इवैक्यूएशन प्रोसेस बहुत अच्छे से हो, तो जान का नुकसान बहुत कम
कम होता है, जो उड़ीसा ने इससे पहले कई बार करके दिखाया है। तो इस बार बंगाल की बारी है, वो कोशिश इस बार हुई है बंगाल की ओर से, तो उम्मीद की जा रही है ये कोशिशें रंग लाएंगी, जान का नुकसान कम होगा। हालांकि संपत्ति का नुकसान सिर्फ प्राकृतिक आपदा के हाथ में होता है, उसकी तेजी के हाथ में होता है। तो इस बार की जो रफ्तार है हवाओं की वो पिछले बार अम्फन के मुकाबले थोड़ी कम है, फोनी जो आया था वो भी इससे ज्यादा था। तो उम्मीद की जा रही है कि नुकसान पहले जितना हुआ था उतना नहीं होगा। और जो देश के लगभग हर घर ने यह महसूस किया है कि जो कोरोना की पहली लहर में सुरक्षित रहे उन्हें या उनके घर में दूसरी लहर ने अपनी चपेट में लिया। 3 लाख से ज्यादा मौत अब तक भारत में हो चुकी हैं। ऐसे में क्या अब भी किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे होने के नाम पर तेज करना वाकई किसानों और ग्रामीणों और देश हित में होगा? पश्चिम बंगाल में चुनाव के अंतिम चरणों में चुनाव आयोग की भी नींद टूटी और राजनीतिक दलों की भी। सभी बड़े नेताओं को चौतरफा आलोचना के बाद अपनी बड़ी रैलियां अंत में रद्द करनी पड़ी क्योंकि कोरोना का प्रसार ज्यादा हुआ। तो क्या यही बात आंदोलन को तेज करने में जुटे किसान नेताओं को भी अब समझनी चाहिए? जैसे जैसे ये कोरोना काल खत्म होगा तो थोड़ी थोड़ी भीड़ हम बढ़ाते रहेंगे। कुंभ में भी आस्था के नाम पर जब भीड़ जुटी और लापरवाही ने संक्रमण का संगम इंसानों के साथ करना शुरू किया तो कुंभ को बीच में रोकना पड़ा। संत सहमत हुए तो फिर क्या यही बात अभी आंदोलन तेज करते किसान नेताओं को भी समझनी जरूरी नहीं है? क्योंकि किसान जुटेंगे तो गांवों में फिर संक्रमण का खतरा होगा। सरकार ही हमें मजबूर कर रही है सड़कों पे आने के लिए, अगर आते हैं तो फिर कोविड के बहाने से हमें पीटा जाता है। देश ने देखा है कि जब उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हुए तो दावा है 1600 से ज्यादा शिक्षक संक्रमण के कारण जान गंवा देते हैं। गांवों में कोरोना फैला तो फिर सवाल ये है कि क्या वही लापरवाही दोबारा किसान आंदोलन तेज करने के नाम पर हो रही है जिससे वापस वही गांव चपेट में आ सकते हैं जहां स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत मजबूत नहीं है। कोरोना उस बंदे नूं दिया वेलड़ बंदे नूं, साडे जिहड़े मेहनती लोग उन्हां नूं कोरोना कोई नहीं। अमृतसर में काला झंडा सिला जा रहा, एक घर के भीतर सिले जाते इन काले झंडों का कनेक्शन 26 मई से है। बुधवार को जब किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे हो रहे हैं तो देश भर में ऐसे ही काले झंडों से आंदोलन को फिर से तेज करके आगे की लड़ाई का रोड मैप बनाने की तैयारी होने वाली है। काला झंडा फहरा के विरोध दर्ज करवा कर आगे की रूपरेखा बना देंगे, अगले 6 महीने की और बना देंगे फिर, क्योंकि खुश नहीं है किसान सरकार से, तो कल काला दिवस बना के आगे की रूपरेखा बना देंगे फिर। अब यहाँ चिंता की बात यह है कि कई राज्यों में जब गाँवों में 10 में से 4 लोग कोरोना संक्रमित मिलने लगे, जब कोरोना के केस थोड़े घटे लेकिन मौत का आंकड़ा कम नहीं हो रहा, जब आशंका है कि अक्टूबर में तीसरी लहर भी दस्तक दे सकती है, तब क्या किसान आंदोलन को फिर तेज करना समझदारी है या गांवों और किसानों को संकट में डालना माना जाएगा? रूटीन में लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं रूटीन में, ठीक है, तो अभी उतनी भीड़ हम नहीं कर रहे जितनी भीड़ उस टाइम पर थी, लेकिन जैसे जैसे ये कोरोना काल खत्म होगा तो थोड़ी थोड़ी भीड़ हम बढ़ाते रहेंगे। 26 मई बुधवार को यूं तो राकेश टिकैत के मुताबिक किसान और किसान समर्थक घर ट्रैक्टर गाड़ी पर काला झंडा लगाएंगे, अपने गांव और शहर में केंद्र सरकार का पुतला फूकेंगे। दावा है कि दिल्ली तक आने की कोई योजना अभी नहीं बनाई, लेकिन किसान नेताओं के ऐलान पर जुटने वाले किसानों की हिसार से 24 मई को आई ये तस्वीरें ही कई सवाल उठाती है। इस भीड़ को देखिए, बुजुर्ग हाथ में झंडा लिए खड़े हैं, अब इन बुजुर्ग किसान को देखिए, इन बुजुर्ग और जवान को देखिए, भीड़ के बीच मास्क कहीं नहीं नजर आता। किसानों पर दर्ज केस के खिलाफ महापंचायत में जुटे किसान यहाँ चढ़कर बैठे, इन चारों में किसी ने मास्क नहीं लगाया। देखिए, क्या यहाँ कोरोना का खतरा नहीं, क्या यहाँ से संक्रमण और गांवों तक पहुँचने का खतरा नहीं? क्या ये लोग जब अपने घर अपने गांव ऐसी भीड़ में काफी लोगों से मिलकर लौटेंगे तो वायरस का आंदोलन तेज होने का डर नहीं होगा? इस फ्रेम को देखिए, 10 से ज्यादा लोग यहाँ पर है लेकिन मास्क नहीं। इस लाइन को देखिए, क्या यहाँ किसी ने मास्क पहना है? ये तस्वीरें बताती हैं कि जब आप भीड़ को चाहे रैली के नाम पर जुटाते हैं या कुंभ के नाम पर या किसान आंदोलन के नाम पर, तब आप भीड़ को संक्रमण के खतरे से दूर नहीं रख सकते। इस बात को समझने की जरूरत कि सवाल आंदोलन पर नहीं बल्कि चिंता आंदोलन में जुटती भीड़ से कोरोना के फैलने की है। और ऐसे में राजनीति का हाल देखिए, सोनिया गांधी, शरद पवार, ममता बनर्जी, केजरीवाल, मायावती समेत 14 दल ने किसान आंदोलन के 26 मई के विरोध प्रदर्शन को समर्थन दिया, लेकिन उसी कांग्रेस के पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुताबिक किसानों का धरना कोरोना का सुपर स्प्रेडर बन सकता है। तो किसान नेता आंदोलन से कोरोना का खतरा जताते कांग्रेस के मुख्यमंत्री की चिंता को भी खारिज करते हैं। कैप्टन सरकार 4.5 सालों में कुछ भी वादा पूरा करने से नाकाम जब हुई है,
और जो चिकित्सा व्यवस्था हमारी देश की वो चरमरा चुकी है, कोविड पर भी उनकी कोई पकड़ नहीं है। तो अपने मतलब जो नाकामयाबी है उसका भंडार जो अब किसान आंदोलन के फोड़ा जा रहा है। आज 2021 का पहला चंद्र ग्रहण है। वैसे तो चंद्र ग्रहण का अधिकांश हिस्सा भारत में असर नहीं डालेगा, लेकिन ग्रहों की चाल पर खगोल शास्त्रियों से लेकर ज्योतिष को जानने वाले लोगों की नजर टिक गई। चंद्र ग्रहण बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में दोपहर के बाद से शाम तक दिखाई पड़ेगा। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी की आंख मिचौली की खगोलीय घटना आज फिर होगी। आज फिर सूरज और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आएगी और चंद्रमा को पृथ्वी अपनी छाया से ढक देगी। भारत में चंद्र ग्रहण सिक्किम को छोड़कर पूर्वोत्तर के राज्यों, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, ओडिशा के कुछ तटीय इलाकों, साथ ही अंडमान और निकोबार में दिखेगा। ये चंद्र ग्रहण भारत में दोपहर 3:15 बजे से अगले लगभग 3 घंटों तक दिखाई पड़ेगा। लेकिन चंद्र ग्रहण दुनिया के जिन हिस्सों में साफ तौर पर नजर आएगा वो है दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के देश, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, पैसिफिक महासागर और हिंद महासागर के क्षेत्र वाले इलाके। दृष्टिगोचर होने वाला चंद्र ग्रहण जो है ये अधिकांशतः ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर में दिखाई देगा, उसके साथ ही साथ में बांग्लादेश और उसके साथ ही साथ जो है अमेरिका के कुछ हिस्सों में, इंडोनेशिया के अंदर और भारत के उत्तर पूर्वी जो हमारे क्षेत्र हैं, ग्रहण के समाप्ति काल के आसपास में ये यहाँ पर नजर आता है। ग्रहण सायंकाल 3:15 से स्टार्ट होता है और 6:23 पर ये जो है आपका समाप्त होता है। इसका जो सूतक है ये प्रातःकाल लगभग 6:15 के आसपास से स्टार्ट हो जाता है। पूरे भारतवर्ष में तो इसका कोई बड़ा प्रभाव ये दृष्टिगोचर नहीं होता है, किंतु नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे क्षेत्र हैं यहाँ पर ये दिखाई देता है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक ये चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र में लगेगा, इसलिए वृश्चिक राशि के लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। अन्य राशियों के लिए ये ग्रहण शुभ संयोग ला सकता है। सौर मंडल के ग्रहों की स्थितियां उत्तम होंगी, परंतु चंद्र ग्रहण है, चंद्रमा वृश्चिक राशि में निवास कर रहा है, यह नीच का चंद्रमा कहा जाएगा। अतः वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र पर यह ग्रहण है, वृश्चिक राशि के लोगों को थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। ग्रहण काल में उन्हें अपने घर पे निवास करना चाहिए और आकाश मंडल के दर्शन नहीं करने चाहिए। आज पड़ने वाला चंद्र ग्रहण इस साल का पहला चंद्र ग्रहण है। 2021 में भारत में दिखने वाला अगला चंद्र ग्रहण 19 नवंबर को लगेगा। इस साल इन दो चंद्र ग्रहणों के अलावा 10 जून और 4 दिसंबर को सूर्य ग्रहण यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा के आने की खगोलीय घटनाएं भी होंगी। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो। चक्रवाती तूफान यास की एक बार फिर बात करेंगे, जिसके ओडिशा तट से टकराने का सिलसिला शुरू हो चुका है। दोपहर तकरीबन 1 बजे इसका केंद्र ओडिशा के बालासोर से बताया जा रहा है। सुबह 9 बजे जब लैंडफॉल की शुरुआत हुई तो ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में हवा काफी तेज रही और समंदर उफान पर रहा। वहीं आसमान से बेहिसाब बारिश हो रही। 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान टकरा चुका है ओडिशा के तटवर्ती इलाकों में। इसका अगले 3 से 4 घंटे तक प्रभाव दिखाई देगा। आईएमडी के मुताबिक तेज हवाओं के साथ भारी बारिश जारी रहेगी। यास तूफान दस्तक दे चुका है। सुबह 9 बजे लैंडफॉल शुरू हुआ तो सबसे चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। कैमरामैन तापस बेरी के साथ अनुपम मिश्र, आज तक दिखा। ये तस्वीर दिखाती है कि यास तूफान जब आया तो उसमें तबाही मचाने की कितनी ताकत थी। 140 से 150 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल रही थी, वही इंसान तो इंसान, सब कुछ तिनके की तरह उखड़ता नजर आ रहा था।
जब यास के टकराने की शुरुआत हुई तब अनुपम मिश्र पश्चिम बंगाल के दीघा तट से रिपोर्टिंग कर रहे थे। देखिए इस दौरान हवा में कैसे उनके पैर उखड़ गए, क्योंकि बंगाल और उड़ीसा कोस्ट पर जिस तेजी से ये टकराया है और जिस तेजी से लैंडफॉल प्रोसेस शुरू हुआ है यह भी कई घंटे तक चलेगा और इस दौरान काफी नुकसान की संभावना है। कैमरामैन तापस बेरी के साथ अनुपम मिश्र, आज तक दीघा। कुछ ऐसा ही खतरा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों पर लगातार बना हुआ है। तबाही मचाती हवाओं ने कई जगहों पर बिजली के खंभे उखाड़ दिए, पेड़ धराशायी हो गए। यास को लेकर मौसम विभाग ने भविष्यवाणी कर दी थी कि हवा की रफ्तार अधिकतम 185 किलोमीटर तक हो सकती है। डिपार्टमेंट के मुताबिक जो लैंडफॉल का प्रोसेस होता है वो शुरू हो चुका है और ये जो प्रोसेस शुरू हुआ है ये कई घंटे तक चलेगा, कम से कम 3-4 घंटे तक ये प्रोसेस चलेगा। इस दौरान तेज हवाएं चलेंगी और जो अधिकतम गति हवाओं की बताई जा रही है वो 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है, जो अधिकतम स्पीड है, और लेकिन 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वैसे भी रहेगी। तो ये जो पीरियड है ये काफी क्रिटिकल पीरियड है और ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है। अब आपको उड़ीसा की तस्वीरें दिखाते हैं। ये उड़ीसा के बालासोर की तस्वीर है जहां देर रात से ही 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। बालासोर भांडा से तकरीबन 80 से 100 किलोमीटर दूर है, तेज हवाएं चल रही हैं, 140 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये हवाएं हैं और टाइडल वेव्स है, अब 10 फीट ऊंची है, तो हवा का जो रुख है वो काफी तेज हो चुका है, रफ्तार हो चुका है। आप बता दें यहाँ पे अगर आपको दूसरी तरफ दिखाएं, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए जिस तरह से टिप रूप है ये उड़ रही है, कुछ लोग बाहर आए हैं इस तरफ देखने के लिए, तो आसपास के लोग हैं। और उससे पहले आपको बता दें पानी भर चुका है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चक्रवात के टकराने से पहले हवा की आवाज दहशत पैदा कर रही थी, इस आवाज को सुनिए और खतरे को महसूस कीजिए। यहाँ जब यास टकराया तो जैसे तबाही मचा दी, पहुंच चुका है और बालासोर में उसकी दस्तक हो चुकी है। इसका लैंडफॉल तो कुछ घंटे बाद है लेकिन उससे पहले ही उफान पर है। आप देख सकते हैं ये बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पे जिस तरह से लहरें आ रही हैं, कई बार तो कई कई फीट ऊपर तक। तूफान के साथ समंदर का मिजाज भी लगातार बिगड़ गया, ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। वहीं ओडिशा से जुड़े पश्चिम बंगाल के आखिरी छोर सुंदरबन पर भी तूफान तबाही मचाने पर तुला था। मकाली के समुद्र तट पे जो पश्चिम बंगाल का लास्ट पॉइंट है और जिसके सामने जिसके आगे बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है, समुद्र में साइक्लोनिक तूफान यास जो कल से बंगाल और ओडिशा की तरफ मूव कर रहा है वो आज दोपहर के आसपास बालासोर के आसपास लैंडफॉल करेगा, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होगा वो पारादीप से लेकर पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप, बखाली, काकद्वीप इन इलाकों में होगा। ये जगह जो है बखाली का, यहाँ पे बहुत सारे साइक्लोन्स का इम्पैक्ट हमने पहले देखा है, ये जगह हाई अलर्ट पे है। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि यास कहां टकराएगा और कितना उग्र रूप ले सकता है। उनके मुताबिक चक्रवात उड़ीसा के धामरा और भितरनिका के बीच टकराएगा और फिर बालासोर के तट को पार कर जाएगा। इस दौरान हवा की रफ्तार 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा बनी रहेगी, जो कि 150 किलोमीटर तक जा सकती है। Since it's moving at a speed of 15 km per hour in north-northwest direction, we are expecting it will reach the coast very near and make landfall process will start during noon hour of today. And during the landfall process, wind speed will be around 130 to 140, gusting up to 150 kmph. देखिए, ये है ओडिशा के धामरा की तस्वीर, जो चक्रवात यास के आने से पहले
सहमा हुआ था। जबरदस्त बारिश हो रही थी। यास तूफान से तबाही को देखते हुए एहतियाती तौर पर लाखों लोगों को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में सुरक्षित इलाकों तक पहुंचाया जा चुका है। फिर भी जान माल के नुकसान की आशंका है। वजह ये कि जिस ताकत के साथ तूफान टकराया और जिस रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, वो कई घंटे तक इसी रौद्र रूप में रहने वाली है। सुंदरबन में सूर्याग्नि रॉय, बालासोर में कमलजीत संधू के साथ अनुपम मिश्र, दीघा, पश्चिम बंगाल आज तक। हमारे दो संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र इस वक्त हैं और साथ ही सूर्याग्नि रॉय भी हैं। सबसे पहले सूर्याग्नि का रुख करते हुए, सूर्याग्नि, ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी खुद कंट्रोल रूम में मौजूद हैं, पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। किस तरीके की तैयारी वहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स की तरफ से आप देख पा रहे हैं? देखिए, ममता बनर्जी आज से नहीं बल्कि कल से ही वो स्टेट सेक्रेटेरिएट में है। कल रात भी वहीं पे रुकी थी। जब अम्फान आया था तब भी वो अपने ऑफिस में ही थी, कंट्रोल रूम में। एकदम सभी चीजों का वो मुआयना ले रही है। अगर हम एनडीआरएफ और इवैक्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो साउथ 24 परगना में 2.5 लाख लोगों को इवैक्यूएट कर दिया गया है कोस्टल रीजन से, और यहाँ पर टोटल 9 लाख या 8 लाख से अधिक लोगों को इवैक्यूएट ऑलरेडी सरकार ने कर दिया है। आम्फान से बहुत बड़ी सीख लेकर पश्चिम बंगाल सरकार इसको हल्के में नहीं ले रही है और शायद इसी वजह से इनके लोगों को वो पीछे धकेल रही है। यहाँ का नजारा दिखा दें हम आपको बोखाली में। तेज हवाएं चल रही है सुबह से ही, बहुत ही ज्यादा तेज हवाएं चल रही है। अभी फिर से बारिश शुरू हो चुकी है। लैंडफॉल हालांकि यहां से करीबन 200-250 किलोमीटर दूर हो रहा है, लेकिन यहां पे भी उसका एक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये यहां पे जितने भी दुकानें हैं, दुकानें तो बंद है लेकिन इनके जो छत हैं वो परमानेंट नहीं है, एस्बेस्टस के है, टीन का है, और उसी को बचाने के लिए यहाँ के लोग इसके ऊपर ये सीमेंट के बैग्स जो है वो रख रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे अपने दुकानों को बचाने के लिए ये लोग लास्ट मोमेंट में ये सेफ्टी के ये प्रिकॉशन। आपके पास दीघा भी चलते हैं, वहां का हाल भी लेते हैं। अनुपम मिश्र वहां पर मौजूद हैं। अनुपम, जो ताजा तस्वीरें हैं वो तो दिखाइएगा ही, लेकिन पिछले साल अम्फान झेला है लोगों ने और इस साल यास तूफान सामने है। हालांकि यास की जो सीवियरिटी है वो अम्फान से थोड़ी कम थी, लेकिन उसके बावजूद ग्राउंड पर क्या हालात हैं, ये इशारा तो कुछ और कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जो तटीय इलाके हैं प्रभावित हो रहे हैं और प्रभाव किस तरह से पड़ रहा है वो मैं दिखा रहा हूँ। समुद्र तट के पास के इलाकों में पानी भर रहा है और पानी भरने की वजह से घर मकान डूब रहे हैं, जो काफ़ी नुकसान हो रहा है। हालांकि जान का नुकसान उस हिसाब का नहीं है और पहले से ही इवैक्यूएशन कर लिया गया था, लेकिन कुछ जगहों पर जहाँ अनुमान नहीं था कि इस तरह पानी भर जाएगा, और वो भी समुद्र का पानी जो समुद्र से बाहर निकल कर लगभग 2-3 किलोमीटर तक पानी भरेगा, और ये विस्तीर्ण इलाका है जहाँ तक नजर जाएगी। और ये लोग देखिए ऊंची 5 जो दीवार है उस पर चल कर आ रहे हैं, क्योंकि नीचे जो पानी है वो कहीं कहीं गर्दन तक पहुंच चुका है, इतना पानी है। तो पानी से बचने के लिए जिन इलाकों में पानी घुस गया है वहां के लोग धीरे धीरे उन इलाकों को छोड़कर जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर आना शुरू कर दिए हैं। और इस तरफ अगर मैं दिखाऊं, मेरे इस तरफ सी बीच है, लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर सी बीच है, और वहीं से लगातार जो लहरें हैं वो आ रही हैं, बारिश भी हो रही है, तो थोड़ा सा बारिश का पानी और ज्यादा पानी है समुद्र का, तो इसकी वजह से जो तटीय इलाके हैं वहां पर समस्या शुरू हो गई है, बाढ़ की समस्या, फ्लडिंग की समस्या है, और ये कम से कम 2-3 दिन तक ये समस्या रहेगी, क्योंकि जो अनुमान लगाया गया था भारी से अति भारी बारिश का, बारिश हो रही है लेकिन अति भारी बारिश अभी तक हमने नहीं देखी है, उसका भी अनुमान लगाया गया है और वो 26 तारीख दोपहर बाद से होगी, यानी आज। दरअसल अनुभव, यहाँ पर आपके पीछे की तस्वीरें अपने आप में काफी कुछ बयां कर रही हैं कि कैसे वहां पर तूफान के पहुंचने से काफी ज्यादा दिक्कत है, पानी भर चुका है और ओडिशा में दस्तक देने के साथ ही यास तूफान वहां बड़ी तबाही मचा रहा है। बालासोर में समंदर की लहरें इस बार तमाम हदों को पार कर गई।
यास की तूफानी टक्कर का सबसे ज्यादा असर उड़ीसा के इन इलाकों पर हुआ जो समंदर किनारे हैं। ये भद्रक की तस्वीरें हैं जहां तूफान सब कुछ तबाह करने पर तुला था। 140 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल रही थी। दिन की चादरें तिनके की तरह उखड़ रही थी। भारी भरकम गाड़ियां हिल रही थी। ये हवाएं बिजली के खंभों को भी उखाड़ फेंकने पर तुली हुई थी। आसमान जमकर बरस रहा था, वहीं समंदर भी उग्र रूप ले चुका था। उड़ीसा के ही बालासोर की तस्वीर भी डराने वाली थी। ऊंची ऊंची समुद्री लहरों का शोर खौफ पैदा कर रहा था। तेज हवाओं के साथ इन बेकाबू लहरों ने तटीय इलाकों में कोहरा मचा दिया। साइक्लोन यास ने दस्तक दे दिया है बालासोर में। पीछे देख सकते हैं किस तरह से अब जो कोस्टल एरिया के इलाके में आसपास की दुकान है उन्हें खाली किया जा रहा है। हालांकि सिस्टम ने वार्निंग दे दी थी, सरकार की तरफ से दिशा निर्देश थे कि कोस्टल एरियाज है वहां पर जो जगह है वहां से हटाया जाए, लेकिन यहां पर जिस तरह से आप ये बताइए, आपको पता था तूफान आ रहा है, अभी अभी आसपास क्यों कर रहे हैं? अरे ये इतना दूर तक कभी नहीं पानी आता है, जितना भी तूफान गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से वहाँ पे जो सिचुएशन है, आपको यहाँ पे लपटे दिखाएं तो 10 फीट से ऊपर लपटे आ रही हैं। देखिए यहाँ पर, और जो आसपास दुकानें हैं यहाँ पर, ये देखिए दुकानों तक पानी आ रहा है जो कि कई फीट ऊपर है। यहाँ पर बचाने की कोशिश की जा रही है वो, और ये देखिए ये जो टिन शेड है, हम पीछे की तरफ जाते हैं क्योंकि ये जो टिन शेड है ये कभी भी उड़ सकते हैं। अब हवा का वो 150 किलोमीटर के करीब है और 185 की ओर जा सकता है, यानी खतरे की घंटी है यहाँ पर। उसके बावजूद देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग हैं अपनी दुकानों से सामान निकाल रहे हैं, जबकि एक हफ्ते से मालूम था कि शायद यहाँ पर बालासोर तक इसकी लपटें आएंगी। और यहाँ पर अब लास्ट मिनट एफर्ट चल रहा है कि अपनी दुकान को कैसे बचाया जाए। मौसम विभाग पहले ही चेतावनी दे चुका था कि यास तूफान सुबह 5:30 बजे से 11:30 बजे के बीच अपने सबसे उग्र रूप में रहेगा। यास तूफान के टकराने से पहले ही उड़ीसा के भद्रक और चांदीपुर में भारी बारिश हुई। पारादीप में भी जबरदस्त तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही थी। तूफान से जान माल के नुकसान की आशंका को देखते हुए उड़ीसा में करीब 3 लाख लोगों को सुरक्षित इलाकों तक पहुंचाया जा चुका है। वहीं भुवनेश्वर एयरपोर्ट एहतियात के तौर पर कल तक के लिए बंद कर दिया गया है। सुंदरबन में सूर्याग्नि रॉय और दीघा में अनुपम मिश्र के साथ बालासोर से कमलजीत संधु आज तक। ने दस्तक दे दी है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटवर्ती इलाकों में सुबह से ही तूफान का असर दिखाई देने लगा है। तेज बारिश, तेज हवाएं, समंदर में लहरें, तूफान की तस्वीर सुबह से लगातार आ रही। बस चंद घंटे बाकी है जब यास तूफान की पूरी पिक्चर आ जाएगी, लेकिन इससे पहले तूफान का ट्रेलर देख लीजिए। पश्चिम बंगाल के दीघा के समंदर में हलचल तेज है, लहरें दहाड़े मार रही हैं। तूफान के आने से पहले जब ये हाल है तो सोचिए चंद घंटों बाद क्या होगा। साइक्लोन यास बड़ी तेजी से इस वक्त समुद्र की ओर से धरती की ओर बढ़ रहा है। हम लोग इस वक्त उड़ीसा और बंगाल बॉर्डर पे हैं, दीघा पे, और यहाँ पे हवाओं की रफ्तार काफी तेज हो चली है। समुद्र भी काफी रफ हो चला है, बिल्कुल अशांत समुद्र, ऊंची ऊंची लहरें, और कुछ ही समय की बात है जब लैंडफॉल होने में कुछ ही समय बाकी है, और ऐसे में लगातार तेज हवाएं बह रही हैं
सुबह से ही जो अनुमान लगाया गया था कि साइक्लोन यास बंगाल और उड़ीसा बॉर्डर से टकराएगा, वैसी ही कुछ संभावनाएं इस वक्त बन चली हैं। और जो लैंडफॉल का एग्जैक्ट लोकेशन है वो बताई जा रही है बालासोर और पारादीप के बीच में। दक्षिण 24 परगना के बखाली का मंजर भी देख लीजिए। ये इलाका पश्चिम बंगाल का आखिरी छोर है, इसके बाद बंगाल की खाड़ी शुरू हो जाती है। समुद्र तट पे जो पश्चिम बंगाल का लास्ट पॉइंट है और जिसके सामने जिसके आगे बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है, समुद्र में साइक्लोनिक तूफान यास जो कल से बंगाल और ओडिशा की तरफ मूव कर रहा है वो आज दोपहर के आसपास बालासोर के आसपास लैंडफॉल करेगा, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होगा वो पारादीप से लेकर पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप बखाली काकद्वीप इन इलाकों में होगा। ये जगह जो है बखाली का, यहाँ पे बहुत सारे साइक्लोन्स का इम्पैक्ट हमने पहले देखा है। ये जगह हाई अलर्ट पे है, लहरों की तरफ देखें तो समझ में आएगा हवाएं कितने कितने स्ट्रॉन्ग है, कितने डिवाइसिव है, और ये इसका इम्पैक्ट जब होगा तब समझ में आएगा कि बखाली और साउथ बंगाल में कितनी तबाही मचती है। तूफान ओडिशा के बालासोर के पास टकराएगा। आज तक की टीम तूफान की हर तस्वीर को कैद करने के लिए यहां भी कल से मुस्तैदी के साथ डटा हुआ है। कल से बालासोर में मध्यम से तेज बारिश हो रही है। तूफान आने से पहले आज सुबह का हाल देख लीजिए।